फेसट्यूब पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ, और अभी जैसा मुझे अभी बताया गया कि ये सेशन भी जो अभी आज का सेशन है सत्संग का, वो यूट्यूब पे भी ब्रॉडकास्ट होना है। अगर संगत एक्सीड कर जाए 100 से ऊपर, सो प्लीज यू कैन लॉग ऑन टू आर यूट्यूब लाइव चैनल फॉर दिस ब्रॉडकास्ट। सो थैंक यू। तो गुरु जी का जैसे हम शुक्राना तो करते ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी और समस्याओं के लिए, उन सब के लिए कितने मैजिकल उपराले किए हैं कि हम घर बैठे अपने आप को उनके साथ संवाद कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके मंदिर के तो दर्शन है ही हैं, और मंदिर, बड़ा मंदिर की तो महिमा ही अलग है। गुरु जी ने कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित की है, तो गुरु जी के बड़े मंदिर की तो बात ही अलग है। और जैसा कि मैं अभी ये कह रहा था कि हमारे सामने बहुत से ऐसे मार्ग उन्होंने उपलब्ध करा दिए हैं कि हम उस मार्ग पर अगर थोड़ा सा भी, इंच इंच भी आगे बढ़े, तो गुरु जी हमारी सहायता करते हैं, गुरु जी हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, और गुरु जी हमारा हाथ पकड़ कर हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इस संदर्भ में जो जैसा कि गुरु जी ने भी कहा कि मेरे सत्संग सुनिया करो, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करण वाले दा भी कल्याण। तो आज मल्टीलिंगुअल पेज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि वो हमेशा की तरह करते हैं, किसी संगत को बुलाते हैं जो अपने संस्मरण हम सब के साथ शेयर करते हैं, और उन संस्मरणों से हमारे कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और हमारा और भी जो कल्याण हो सकता है वो होता है, क्योंकि यही प्रथा गुरुजी के समय से चली आ रही है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच, हमारा सौभाग्य है कि कमांडर शंकर, कमांडर शर्मा अंकल और कमलेश शर्मा आंटी हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं हम सबको बताने के लिए, गुरु जी का व्याख्यान करने के लिए। गुरु जी अनेक समय वो गुरु जी के साथ भी रहे हैं, गुरु जी के सेवादार के रूप में गुड़गांव संगत को तो वो संचालित करते ही हैं, और बहुत उत्तम उन्होंने प्रयास उनके माध्यम से हो रहे हैं ताकि संगत तक गुरु जी की महिमा अनेक बार पहुंचे। उनका एक पब्लिकेशन भी है जो आई एम श्योर आप सब लोगों तक पहुंच चुका है, आप पढ़ते भी होंगे। तो अब मैं बिना अधिक विलंब किए उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन हम सबको करें। ओवर टू यू कमांडर अंकल। जय गुरु जी अंकल, थैंक जय गुरु यू जी, सो जय गुरु जी। मच। वेरी नाइस सीइंग यू, थैंक यू सो मच। इतनी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, इतना बहुत कुछ नहीं करता हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत है महाराज के चरणों में, महाराज करा लेते हैं तो मैं कर पाता हूँ, नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैं सच बताऊं तो एम्पायर स्टेट में आपको देख देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आज मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा। महाराज का गुणगान तो कहीं से भी हो जाए, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, तो उनकी कृपा का बखान भी पूरा नहीं हो सकता। हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत आज समझ में आया वो उस शब्द से आया जो चल रहा था, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा का। तो इससे रिलेटेड मेमोरी, जो मेमोरीज हैं, और महाराज के चरणों में बैठ के जो लर्निंग्स आई, आज मैं उनसे शुरू करूंगा। मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब मैं जलवाई टावर्स में नया नया था, गुरु महाराज की संगत से जुड़े हुए कुछ साल हो गए थे, उस जमाने में हम लोग पार्क में बैठ के योगा किया करते थे, और हम लोगों की योगा करने वालों की टीम में विजय पुष्कर नाम भी थे। उस समय में गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे, हम लोग मित्र तो थे ही, आपस में बात करते थे। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सेक्टर 56 में एक सनातन धर्म के मंदिर के लिए
जमीन अलॉट करा सके। उन्होंने पहले से एक सोसाइटी बनाई हुई थी और एप्लीकेशन उनकी अंडर कंसिडरेशन थी और उनकी भी रही होगी। तो मैंने सुना और मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे ये कहने में कि बिल्कुल अंकल जानता हूं, आप मेरे साथ चलें। और मैंने उन्हें अपने गुरुजी महाराज के बारे में बताया और वो तैयार हो गए। हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि शायद गुरुजी किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो इस काम को कर देगा, बोल देंगे उसको। उनकी सारी टीम नियत समय पे महाराज के पास आई एम्पायर स्टेट में, मथा टेका, लंगर किया, जब सब कुछ हो गया तो गुरु महाराज के सामने उपस्थित हुए। पुष्करण अंकल ने अपनी बात बताई, गुरु महाराज ने कहा कल्याण। जहां उन्होंने कहा कल्याण, मैं बहुत खुश हो गया और मैंने इशारे से कहा विजय अंकल से कि हो गया काम अंकल, आपको महाराज की ब्लेसिंग मिल चुकी है और ये जमीन आपको अलॉट हो जाएगी। शायद उन्हें नहीं पता था महाराज किस तरह से काम करते हैं। हम आ गए, ज्यादा समय नहीं लगा, जमीन उनको अलॉट हो गई। और मेरे मन में एक भावना आई कि ये मंदिर गुरु महाराज की ब्लेसिंग से अलॉट हुआ है, तो जब ये मंदिर बनेगा तो मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। किस तरह से नहीं पता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इस प्रोसेस से जुड़ूं। जिस दिन ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, शाम को सिंगला अंकल का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि कमांडर अंकल, गुरु महाराज का आदेश है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी यही जगह है और आपको यहीं आना है। एक तकिया भरोसा तेरे चल। महाराज ने मुझे इधर उधर भटकने से रोक दिया, मेरी जगह गुरु महाराज के चरणों में है, थी और रहेगी। मेरे दिमाग से वहां तो क्या, कहीं और भी जाने का विचार निकल गया। जाता तो हूं, मित्रों के साथ चला जाता हूं, वैसे भी चला जाता हूं, धार्मिक स्थलें पूजनीय हैं और जब भी किसी धार्मिक स्थल के बराबर से निकलता हूं आंख बंद करके हाथ जोड़ लेता हूं। लेकिन ये मैं जानता हूं, सिर तो झुकता है, कहीं भी झुकता है चरण महाराज के होते हैं, मथा वहीं टिकता है और कहीं नहीं। थोड़े दिनों के बाद में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि चेक करके देखते हैं क्या है, ऐसा तो नहीं कि प्रोस्टेट का कैंसर हो, तो बायोप्सी वगैरह करनी पड़ेगी। उस समय तक मैंने उनसे कभी गुरुजी महाराज के बारे में बोला नहीं था। उसका कारण यह भी था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे तो भी चुप रहता था। लेकिन हिम्मत करके मैंने पिताजी से कहा कि यदि आप बुरा ना माने और आप कुछ ना कहें तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे गुरुजी के पास चलें एक बार, उनका आशीर्वाद ले लें। तो तैयार हो गए,
मैं उनको महाराज के पास ले गया, इंट्रोड्यूस कराया सिंगला अंकल ने। गुरु महाराज उनसे मिलके खुश हुए, प्रसन्न हुए, ब्लेस किया, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट ठीक आई, सर्जरी हो गई और चीजें नॉर्मल होने लगी। मैं बहुत खुश था। उसके बाद पिताजी को मंदिर में कई बार आने का मौका मिला, बड़े मंदिर भी ले गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पता नहीं गुरु महाराज से जुड़े कि नहीं, लेकिन कम से कम मंदिर तो आए। क्या हुआ कि जहां गाजियाबाद में वो रहते थे वहां पे कोई गुरु आए और उनके बारे में कुछ ऐसा फेमस था कि वो गले लगाते हैं और ठीक कर देते हैं। किसी के कहने से पिताजी वहां चले गए, मुझे नहीं बताया किसी ने। रिग्रेट करता हूं कि मुझे बता देते तो मैं कम से कम उन्हें रोक देता, कोशिश तो करता। वहां गए और वहां से आए और प्रॉब्लम रिलैप्स हो गई। इस बार की बायोप्सी में रिपोर्ट ठीक नहीं आई, सर्जरी हुई, बहुत कुछ उन्होंने कष्ट सहे और फाइनली इस बीमारी के चलते चलते उन्होंने इस दुनिया को विदा कर दिया। मैं यही कहता रह गया, क्या जरूरत थी? जब गुरु महाराज ने एक बार रोक दिया था उसको तो रोक दिया था। ये बात मुझे याद है, सिंगला अंकल ने गुरुजी से बोली थी और उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो दुखी हुए। और मैं आज तक इस चीज को रिग्रेट करता। एक तकिया भरोसा तेरे चरण और सब बेढाइया ढेरिया। जब एक का हाथ पकड़ लिया था तो पकड़ लिया था। इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज हमको यही बताते थे, जब यहां आ गए हो तो यहां आ गए। जब मैं पहली बार महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ, 2001 का 18 फरवरी का महाशिवरात्रि का दिन था, दरबार हॉल में जब पहुंचा तो गुरु महाराज को देख के ये मन में आया कि ये तो गुरु नहीं हो सकते हैं, ये तो कोई और ही है। बहुत रीगल, बहुत एलिगेंट, बहुत रेडिएंट, लेकिन ट्रेडिशनल गुरु वाली ना अटायर थी ना पर्सोना था। तो मन में ये रहता था कि ये गुरु नहीं हो सकते। तो मैं एक संगत थी सामने मेरे लाइन में, मैंने उनसे पूछा था कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं। और उन्होंने धीरे से मुझे कहा था कि अंकल सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। ये जो लेसन है ना, एक तकिया भरोसा, ये शायद महाराज जानते थे कि मैं इसको समझूंगा नहीं अपने आप से, इसलिए पहले दिन से मुझ में ये बात डाली जा रही थी, यहां से कहीं मत जाना, यहां से कहीं मत जाना। और फिर जब मैंने सोचा कहीं और जाने का तो महाराज ने मैसेज दे के बोला, मत जाना, तुम्हारी यही जगह है, तुम्हें यहीं आना है। और यहां से जाने के परिणाम अच्छे नहीं। अब किसी के भी पास चले जाए लेकिन एक के होके रहे, क्योंकि आप जिसको पूजेंगे आप उसी के पास जाएंगे।
ये थ्योरेटिकल लर्निंग पहले से थी, प्रैक्टिकल में अब देख रहा था। बहुत पहले जब मैं गीता पढ़ा करता था, अभी पढ़ता हूं, गीता एक ऐसी पुस्तक है जो शायद अकेली है जिसमें ईश्वर फर्स्ट पर्सन में बात करता है, मैं, ये ईश्वर की वाणी है। और ये अर्जुन का और कृष्ण का संवाद है जिसमें अर्जुन कृष्ण को, कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि जो जिसकी उपासना करता है, जिसको भजता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो मुझे पूछता है वो मेरे पास आता है। जो गुरु महाराज को मानता है, जो गुरु महाराज के चरणों में जुड़ा है, गुरु महाराज के पास आएगा। और गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा था कि मेरी संगत यहां भी मेरे पास है और वहां भी मेरे पास है, वो इसलिए कहा था ताकि संगत को ये पता चले कि गुरु के पास आए हो तो गुरु अपना बना के रखेंगे, आप गुरु से दूर नहीं होंगे। और ये बात महाराज ने भी बताई अपने शब्दों के माध्यम से, शब्द कीर्तन के माध्यम से। और गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मेरे भक्त का, अर्जुन मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता हूं, एक बार मेरा जो हो गया फिर मेरा हो गया। और गुरु महाराज ने ये बात उस तरह से कहलवाई कि गुरु अपनी कमाई में से अपने भक्त का भुगतान कर देगा, आपका कर्जा उतार देंगे, लेकिन आपको अपने पास से जाने नहीं देंगे, रास्ते से भटकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, तो निश्चिंत हो जाइए। और आपको और निश्चिंत करने के लिए महाराज ने, आपने सुना होगा, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि जो अपने घोड़े की लगाम मुझे देता है उसका घोड़ा सीधा चलता है। आप गुरु महाराज को अपने घोड़े की लगाम दे दो तो आप सीधे चलोगे। लगाम देने का मतलब हो गया कि जैसे इंजन है ट्रेन का, आप बोगी हो, आपने पीछे से जाके जुड़ गए और बस आपका काम खत्म हो गया। अब जहां इंजन ले जाए आप वहां, बस ये है कि इंजन का सिलेक्शन सही तरीके से हो जाए। जाना है बॉम्बे और आपकी बोगी जुड़ गई उस इंजन में जो कलकत्ता जा रहा, तो फिर आप कलकत्ता जाएंगे, आप इंजन को ब्लेम नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो गया। एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ा और सब बेढाइया ढेरिया, आपको बाकी सारे इंजन तो छोड़ने होंगे, और सबसे पहले आपको अपने आप को छोड़ना होगा। खुद इंजन बनने की कोशिश में तो सारे ही लफड़े होते, बोलता रहता हूं तो कुछ कुछ कहानियां याद आती हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना हो, कृष्ण के एक मित्र होते थे उद्धव, उनके बीच में एक डायलॉग है, कहां पढ़ा मैंने याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने वो पढ़ा और सुना। कृष्ण ने उनसे जब पूछा कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स ले ली, लेकिन कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए प्रभु, आप चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, आप चाहते तो जुए में पांडव नहीं हारते थे, आप चाहते तो द्रौपदी का चीरण नहीं होता, लेकिन आपने रोका क्यों नहीं? तो कृष्ण जी ने उसका उत्तर उन्हें यह दिया कि जब युधिष्ठिर ने पांसे खेलने का निर्णय किया और उन्हें पता था दूसरी तरफ से शकुनी है, तो उन्होंने मुझे याद नहीं किया, वो अपने नियंत्रण में खुद रहना चाहते थे। जब जुए में द्रौपदी हार गई, उन्होंने मुझे तभी भी याद नहीं किया। इन सब ने अपने वो सारे काम किए जैसे खुद इंजन हो। इन्होंने अपने घोड़े की लगाम कृष्ण के हाथ में नहीं दी, और फाइनली याद जब किया द्रौपदी ने तो मैं उपस्थित हो गया। पहले याद कर लेते
तुम पहले साल घोड़े की लगाम जितनी जल्दी गुरु महाराज के हाथ में पहुंच जाए आपके हम सबके लिए उतना बढ़िया है। गुरु महाराज आपके हृदय में रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रवेशी नगर कीजिए सब खाजा, हृदय राख कौशल को राजा। जिसके हृदय में राम हो, गुरु महाराज हो, वो अजय है, शिव के भक्त का कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कर ली, कंट्रोल हैंडओवर कैसे किया जाता है? अपने हाथ में नहीं है, लेकिन शुरुआत यहां से की जाए कि गुरु से मांगना बंद करके गुरु महाराज के चरणों में बैठ जाए और बोले कि गुरु जी आप जैसा चाहें वैसा कर ले। ये मांगने वाले से मानने वाले की यात्रा आपके गुरु के चरने से चरणों में जुड़ने की प्रोसेस का हिस्सा है। और बस एक बात कह के मैं अपनी आज की ये बात समाप्त करूंगा, गुरु महाराज से जुड़ने कोई प्रोसेस नहीं है। आप केवल जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग रेडी, आप अपने आप को बस गुरु महाराज के आशीर्वाद के लिए तैयार कर लीजिए और उस प्रोसेस में आपने ये करना कि अपने आप को इस बीच से हटा लीजिए। महाराज को बिचौलिए पसंद नहीं। मुझे याद है एक बार मैं एक संगत को लेके गया था और जब उसके बताने लगा तो गुरु जी ने कहा तो इसका वकील है? मैंने कहा नहीं महाराज, तो पीछे जाके बैठ, मैं खुद बात करूं। और बिचौलिया पसंद नहीं का मतलब कि गुरु महाराज को आपके और गुरु के बीच में आप खुद भी नहीं एक्सेप्टेबल हैं। अपने आप को भी हटा लीजिए गुरु महाराज के बीच में से, बस उस मोमेंट पे आप अपने घोड़े की लगाम गुरु महाराज को देते हैं। और बस ये बात कह के जब गुरु आपके दिल में होंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी है वो मैं सुना देता हूं, रिलेवेंट है, याद आ जाती है। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतरो, मैं उसके बाद उतरूंगा। अर्जुन क्योंकि युद्ध में विजयी थे तो थोड़ा सा अहंकार हो गया, बोले नहीं महाराज, सारथी उतरेगा पहले फिर हाथ पकड़ के उतारेगा, ये नियम है, रीति है। कृष्ण जी का नहीं, इस बार नहीं। और ऐसा ही हुआ, अर्जुन उतरे और जब कृष्ण उतरे तो रथ चल के भस्म हो गया। तब कृष्ण ने उसे बताया कि इस रथ को तो कर्ण, भीष्म जैसे योद्धा कब का नष्ट कर चुके हैं, जब तक मैं बैठा हूं इस रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपसे पहले उतर जाता तो आप इस रथ के साथ नष्ट हो जाते। संगत जी, हमारे रथ पे गुरु महाराज बैठे हैं, उतरने मत दीजिए, क्योंकि जब तक गुरु महाराज हैं आप सुरक्षित हैं। महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार कीजिए। ऐसा कभी नहीं हो जब महाराज से दूर हो जाए। इस प्रार्थना के साथ में जय गुरु जी। वासन अंकल। जय गुरु जी। अंकल अंकल कमलेश आंटी जी से संगत शेयरिंग जी, जरूर। नमस्ते सतनंग संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो
अंकल ने इतना सारा सुना दिया तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है एक्चुअली। पर मैं अपना एक अभी थोड़े दिन पहले का ही सत्संग सुनाती हूँ, कोरोना टाइम का। हम लोग 5 मार्च को US गए थे, तब कोरोना के कोई केस नहीं आए थे यहाँ। थोड़े बहुत सुनने में आ रहा था कि कोई ऐसा वायरस आ गया है तो, लेकिन ऐसे नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ हो। हम लोग चले गए 5 मार्च को US अपनी डॉटर के पास। बस हम एक हफ्ता वहां पे ठीक से रह पाए, उसके बाद हम लॉकडाउन, वहां टोटल लॉकडाउन लग गया। घर से भी नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम। तो हम 1 महीने के लिए गए थे, विंटर के कपड़े लेकर गए थे मैं और अंकल, क्योंकि उस टाइम विंटर थे वहाँ। और थोड़े दिन में मतलब वहाँ तो लॉकडाउन लग गया, सब कुछ करना, मार्केट जा सकते कुछ भी नहीं, बस घर में बंद रहो। मैं और अंकल 5 बजे उठ के सुबह वॉक कर आते थे, जब तक कोई आता था सड़क पे उससे पहले, और बाकी दिन हम घर में बंद। तो बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। और 1 महीने के बाद हमारी टिकट जो थी, फ्लाइट सारी बंद हो गई, तो हम आ भी नहीं सकते, छोटी डॉटर के पास भी नहीं जा सकते थे, सब कैंसिल कराई। तो अंकल ना हर समय देखते रहते थे फ्लाइट की, जैसी शुरू होंगी मैं अपना रीशेड्यूल करा लूंगा। तो हर बार कराते थे, हर बार कैंसिल का आ जाता था कि नहीं कोई फ्लाइट नहीं अभी जा रही है। तो ऐसे करते करते मार्च से जुलाई हो गया। तो मैं एक दिन बैठ के गुरुजी के मतलब डेली पूजा जैसे हम करते हैं गुरुजी के सामने दिया जला के, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत हो गया अब तो, प्लीज कुछ करो। 4-5 बार हमारा कैंसिल हो गया, कोई फ्लाइट नहीं चल रही, और प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचाओ। मैंने बड़े दुखी होके बोला, मैंने कहा गुरुजी बस बहुत हो गया, मुझे मेरे घर जाना है, आप कुछ भी करो चाहे। तो मैंने बस सुबह के टाइम बोला था शायद, और आफ्टरनून में अंकल ऊपर से भागे भागे आए, कहते कि परसों की एक फ्लाइट शुरू हुई है यूनाइटेड की, और मैंने बिना पूछे तुझसे और उसमें अपना डाल दिया है कि हमें जाना है इंडिया। तो सबसे पहली फ्लाइट शुरू हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप मुझे इंडिया मेरे घर भेज दो, मैं आपको लड्डू बना के खिलाऊंगी। मैं ऐसी बैठे बैठे बोल दिया, मैंने कहा मैं लड्डू बना के खिलाऊंगी आपको जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। हम लोग आ गए जुलाई एंड में घर। उसके बाद में ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गए थे, अंकल ऑनलाइन सत्संग करते थे। फिर बोले कि हम भी घर में सत्संग कर लेते हैं ऑनलाइन 1 महीने के बाद अगस्त के एंड में। तो मैंने बोला ठीक है। बोले क्या, मैंने कहा क्या लंगर बनाऊं? तो मैंने बोला अरे गुरुजी को खीर बड़ी पसंद थी, एम्पायर स्टेट में खीर बहुत बनती थी, तो इस बार मैं खीर बनाऊंगी और बाकी लंगर बना लिया मैंने। तो मैंने रात को डिसाइड करके सोई कि खीर बनाऊंगी मैं सुबह गुरुजी के लिए लंगर में। तो रात को मैं ड्रीम में मुझे ऐसे आ रहा है कि गुरुजी खड़े हैं, तो कह रहे हैं आंटी लड्डू का क्या हुआ? तो लड्डू में खिला रही थी, तो ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं मुझे खड़े होके। तो मैं सुबह उठी, मैंने नहा आके लड्डू बनाना शुरू करा। अंकल बोले तू तो बोल रही थी कि खीर बनाएगी, तू लड्डू क्यों बना रही है? तो मैंने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम में गुरुजी ने बोला, और मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे घर पहुंचा दो, मैं लड्डू खिलाऊंगी आपको। तो फिर उसी टाइम उन्होंने गुरुजी ने मुझे ये बोला कि अच्छा अग्रवाल को बुला के 4 लड्डू उसे दे देना। अब कोरोना के टाइम अग्रवाल का कुछ आना जाना नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी के यहाँ आ नहीं रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। तो अपने आप ही अग्रवाल अंकल का फोन आ गया कि अंकल आपके यहाँ सत्संग है ऑनलाइन आज। तो मेरे अंकल ने बोला कि हाँ है, तो आप भी आ जाओ, घर के घर की बात है, मैं हम 4 ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो वो आए, तो उनको मैंने कहा अभी गुरुजी ने मुझे बोला था कि 4 लड्डू अग्रवाल को दे देना, गुरुजी ने आपको खुद ही भेज दिया अपने आप यहाँ। तो मैंने उनके हाथ में लड्डू जैसे ही दिए तो वो माथा टेक के खड़े हुए, तभी उनका फोन बजा। उनका बेटा UK में था जिसको कोरोना शायद हुआ था, तो उसकी फिर फोन आया कि मम्मी मेरी ना अब रिपोर्ट ठीक आ गई है, मैं ठीक हूँ अब। तो गुरुजी ने ऐसे करके मुझे याद दिलाया कि लड्डू मतलब मैं बिल्कुल भूल गई थी, और रात को आके गुरुजी मुझे बोलते हैं लड्डू का क्या हुआ आंटी, जो लड्डू खिला रही थी। तो ये मेरा सत्संग है। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल।
ओडियो गोपाल अंकल, जय गुरुजी, जय गुरुजी कमांडर अंकल, जय गुरुजी शर्मा आंटी। तो बहुत ही सुंदर ये जो कनेक्शन की बात और गुरुजी पे भरोसा रखने की बात जो आपने बताई, आई थिंक ये सब हम सबके लिए लेसन्स हैं जो हम अपने जीवन में उतारें तो कल्याण निश्चित है। और गुरुजी तो कल्याण निश्चित कर गए, वो राइटिंग में दे गए हम सबको, ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद हिज स्टैम्प, सील एंड स्टैम्प। तो संगत जी, कुछ भी हमको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कमांडर अंकल ने बार बार इंसिस्ट किया कि अपनी लगाम जो है वो गुरुजी के हाथ में देनी है। सरल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब कहते हैं हम मैंने तो समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने मन को टटोलें, क्या वाकई ऐसा संभव है? और देखिए गुरुजी कोई ऐसा कोई हमें कोई वो मतलब वो सनत कुमार नहीं बनाने आए, वो यही मैसेज दे के गए कि हम दुनिया में हैं, ये दुनिया रंगीन है, इसके रंगों का मजा लो, ब्लाइंड फोल्ड ना रख, देखो समझो और समझ के जो भी कुछ कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो, और क्या चाहिए इसमें, कुछ भी सही गलत नहीं है, जो कुछ करो आप। गुरुजी मुझे पता नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा मन कर रहा है कि मैं शिमला घूमने जाऊं, या मेरा मन कर रहा है कि आज मैं गाड़ी उठा के इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, बस आप सहाय रहना, दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब इसको हम जिस भी रूप में अपने अपने तरीके से ढालना चाहें ढाले, बहुत ही मतलब गुरुजी का जो प्रोसेस है आप देखें कितना सरल प्रोसेस है। और वो बार बार हम सबको यही कहते थे कि भ्रमों में से निकलो, मैं तो अनुप्रमाज कदन आया, और हम वहीं के वहीं उलझे हुए। वो गुरुजी एक शब्द इस्तेमाल करते थे, पंजाबी में होता है वो अक्सर, भंबड़ भूसा, यानी कि वो जो गुंजल होती है ना, जो मांझे में गुंजल पड़ जाती है, उससे निकलना बहुत कठिन होता है, हम एंटेंगल्ड रहते हैं, तो बस अपने आप को एंटेंगल नहीं होने देना। तो दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कमांडर अंकल आंटी, बहुत सुंदर सत्संग था वो, मतलब मजा आ गया वो गुरुजी का। गुरुजी देखिए कैसे, गुरुजी को अगर हम अपना सहाय बनाएं तो वो कैसे अधिकार से हमारे साथ रहते हैं, कैसे पकड़ के रहते हैं। मैं अक्सर अपने सत्संग में, हालांकि वो शब्द लोग उचित नहीं मानते उसको, मैं कहता हूं गुरुजी इंटरफेयर करते हैं, और क्यों ना करें, वो पिता हैं हमारे, तो अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमारा कॉलर पकड़ के पीछे खींचना या सही डायरेक्शन में हमारा मुंह कर देना, तो इसमें क्या गलती है? तो यही बात वो करते हैं, वो हक से करते हैं, उन्होंने अपने हक से अपनी संगत बनाई है, हम अपने हक से उनको अपने आप को सौंपें। That's it. So thank you once again, Commander Uncle. Thank you, Suresh Uncle. आपने बहुत ही सुंदर ये माहौल बनाया हुआ है. Just keep it going, keep it spreading. और संगत जी जो भी बन सके, हम सबको सुरेश अंकल के साथ मिलके सहयोग करना है, ताकि वो गुरुजी का नाम जहां जहां हो सके वहां वहां पहुंचाए, जिस जिस भाषा में हो सके उस भाषा में पहुंचाए। हालांकि ईश्वर और भक्त के बीच में भाषा का कोई चलन है ही नहीं, लेकिन जब तक हम भक्त नहीं बन पाते तब तक तो भाषा का महत्व है ना। तो बस, तो इसी के साथ जय गुरु जी, ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। मैं शर्मा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, नई जो अभी नई संगत है, जो संगत जुड़ रही है, उनके लिए कुछ संदेश दे दो, क्योंकि संगत बहुत भ्रामक है एज ऑन डेट। प्लीज जय गुरु जी। मैं क्या संदेश दे सकता हूँ अंकल, मैं और आप हम सारे के सारे एक ही बोट में सवार हैं। गुरु महाराज से जुड़ने की कोई प्रोसेस नहीं है, महाराज से जुड़ने के लिए इतना काफी है कि आप ये कहते हैं महाराज मैं आपके पास आ गया, अभी आप जानो।
अभी कमांडर आंटी ने अपना सत्संग किया था, वो महाराज से उसी तरह से जुड़ी हुई है। हमारे पास घर में कोई दरबार नहीं है, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। जी जी जी। हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को मानता नहीं, जो जिसको अच्छा लगता है और जिन्हें महसूस होती है बाय ऑल मींस डू व्हाट एवर यू फील लाइक, लेकिन हमें नहीं होती क्योंकि हमें लगता है गुरु महाराज तुम्हारे दिल में हमारे साथ है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जो साथ में ही है तो उन्हें ढूंढूंगा कहां, दिल में है। तो सिटी अंकल वही कह रहे थे, अब जो चाहे करिए, खरीदिए बेचिए, रामायण में कहा था ना जैसे प्रभु सी नगर कीजिए सब काजा, सारे काम कीजिए आप जो करना है, हृदय राखी कौशल को राजा, दिल में गुरु महाराज को धारण करके रखिए। अब क्योंकि वो दिल में रहते हैं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दिस फीलिंग ऑफ बीइंग विद द गुरु, ये फीलिंग कि महाराज हर जगह हर समय साथ में है, देयर इज नॉट ए मोमेंट जिस समय आप, मुझे ये लगता है कि गुरु महाराज साथ नहीं है और वो देख नहीं रहे। आप अच्छा करें बुरा करें, झूठ बोले सच बोले, चुगली करें अच्छाई करें बुराई करें, जो चाहे करें, वो देख रहे हैं, वो साथ में है। तो किसी की मत सुनिए, गुरु महाराज से आपका कनेक्शन किसी दूसरे के माध्यम से नहीं हो सकता। देखिए डायरेक्ट इंजन में जुड़िए, अगर इंजन के पीछे कुछ बोगीज लगी हुई हैं और आप अपने आप को उन बोगीज के पीछे लगा देंगे, आप इंजन को कभी देख नहीं पाएंगे। आपको बार बार सामने वाली बोगी से पूछना पड़ेगा इंजन कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कहां जा रहे हैं भाई, और जो वो बीच में बोल दे आप उसे मान लोगे। किसी की मत सुनिए, अपनी सुनिए, अपने और गुरु के बीच में कुछ मत आने दीजिए, प्रोसेस भी नहीं आने दीजिए, रिचुअल्स भी नहीं आने दीजिए, किसी दूसरे को भी नहीं आने दीजिए, सुनिए सबकी, लेकिन महाराज के साथ कनेक्शन अपना रखिए, प्रिटेंशन से दूर रहिए। किसके घर में क्या होता है, किसने कौन सा शब्द बजाया था, कितनी बार मैं देखता हूं कि आजकल एक तरीके का एक के घर में सुन लेते हैं, अपने घर में आकर उसे ढूंढ के चलाने लगते हैं, जैसे कि शब्द चलाने से ही सब कुछ होता है। यानी महाराज का शुक्राना करने के लिए शुक्राना बजाने की जरूरत नहीं है, शुक्राना महसूस करने की जरूरत है। दिस फीलिंग इन योर हार्ट, कम्यून विद गुरु महाराज, लिव विद हिम, उनके साथ रहिए। ऐसे कहते ना गुरु महाराज हमारे साथ चलो, चलो नहीं, गुरु महाराज साथ हैं। मांगने और मानने का यही फर्क है, मांगना होता है कि महाराज आप मेरे साथ रहिए, और मानना होता है आप मेरे साथ हैं। और जब आप मान लेते हैं तो महाराज को ऑप्शन नहीं है फिर, बिकॉज महाराज ने कहा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, शब्द इसीलिए तो बजवाए थे, और मांगे नहीं क्योंकि गुरु महाराज ने वो भी सुनवाया था, बिन बोलिया सब कुछ जानता, उनके सामने अरदास करने की जरूरत नहीं है। He knows and he will do whatever it takes. मेरे साथ किया है, आपके साथ करेंगे, हम सबके साथ करेंगे। महाराज से बस जुड़े रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट फील हिम इन साइड योर हार्ट, ओपन योर सेल्फ टू महाराज, अपने घोड़े की लगाम हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज, और निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कमांडर अंकल, आपने जो एक बात कही उस पे मुझे कुछ याद आया, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं, इफ यू अलाउ मी टू। अंकल जरूर, प्लीज। जी देखिए, ये जो गुरु जी ने कहा शब्द सुना करो, वहां उनके शुक्राना भजन या ये सब नहीं, क्योंकि ये गुरु की क्लास है, गुरु की क्लास में वही पढ़ाया जाएगा जो गुरु चाहेगा। उसमें अब आप खुद देखें, आप किसी क्लास में जाते हैं तो टीचर जो पढ़ाता है ना, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, जो वो पढ़ाना चाहता है वही पढ़ाता है। हम ये नहीं कहते कि जो हमारे टीचर हैं शर्मा अंकल वो बहुत अच्छे हैं, हम एक बार कह देंगे वो सुन लेंगे, दो बार कह देंगे वो सुन लेंगे। अब बार बार हम यही कहते रहे कि शर्मा अंकल तो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो हमारी जो पढ़ाई, तो ये जो गुरुजी के सत्संग का जो समय है ना, ये हमारा क्लासरूम है।
तो इसमें पूर्णतया पूर्णतया शब्द ही प्रिय होने चाहिए। गुरुजी के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए कि गुरुजी ने शब्द की प्रथा क्यों चलाई। वो भी चाहते वो गुणगान अपना करा सकते थे, गुणगान करने वाले बहुत हैं, पंजाब से इतने सिंगर आते थे वो, तो वो कभी कभी चलो उनका मन खुश रखने के लिए उनको कह देते, लेकिन अधिकांशतः उन्होंने शब्द चलवाए वो इसलिए कि वो हमें ज्ञान बांटने आए हैं। गुरु का सबसे बड़ा रोल यही है, वो हमें हमारे को जो जीवन कैसे जीना है वो सिखाने आए, हमको आध्यात्म मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ना है उस पर वो बताने आए। तो ये एक छोटी सी बात मुझे लगा कि कई जगह मैं भी देखता हूँ कि वो एक घंटे का अगर कार्यक्रम है तो 30 मिनट 40 मिनट शब्द चले और फिर वो उनका अलग अलग गुणगान हो रहा है। वो वंस इन ए वाइल ओकेजन है, कोई गुरुजी का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई फंक्शन है, तब एक इस तरह का माहौल बनाना, फिर डांस वांस करना, वो सब वाजिब है, लेकिन मुख्यतः यही मान के चलें कि ये गुरुजी की क्लास है, गुरुजी हमारी क्लास ले रहे हैं। जब हम गुरुजी का सत्संग बोल के करते हैं ना तो फिर वो गुरुजी की क्लास हो गई। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी जैसा शर्मा अंकल ने कहा ना, मैं कौन और तू कौन, जो है वो गुरुजी हैं, वही निर्देश देंगे आपको भी, मुझको भी, शर्मा अंकल को भी, सुरेश अंकल को। तो इसी के साथ जय गुरुजी, अब हम सब आज्ञा ले सकते हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी।